हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्यारा सा स्लिप डिज़ाइन बनाएंगे। उसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है, 12.5 इंच है, तो डबल में हमारा 25 इंच है, आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा और चौड़ाई इसकी हमने ली है 12 इंच। तो सबसे पहले हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। अब आर्म होल की शेप के लिए निशान लगाएंगे 7 इंच पर और एक बॉक्स बना लेंगे। जैसे हमने ऊपर निशान लगाया था 3 इंच पर, उसी तरीके से ऊपर भी नीचे भी निशान लगा लेंगे। और अब हम एक शेप दे देंगे स्लीव को। शेप देने के बाद यहाँ से हम लेंगे 7.5 इंच, आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। अब बॉटम लेंगे हम 8 इंच, ये हमने निशान लगा लिया। अब बॉटम वाले निशान को हम ऊपर वाले निशान से मिला देंगे। अब हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, काफ़ी लाइट निशान आ रहे हैं, मुझे अब पता चल रहा है कि दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कटिंग करने के बाद आपको शेप क्लियर हो जाएगी स्लीव की। ये देखिए, हमारी स्लीव की कटिंग हो चुकी है। तो सबसे पहले हम ये वाली सिलाई लगाएंगे। तो आधा इंच का मार्जिन लेते हुए जो हमारी अंदर वाली सिलाई होती है फिटिंग की, ये वो वाली सिलाई है, ये हमने लगा लिए। अब हम स्लीव को खोलेंगे और जो हमने सिलाई लगाई थी इसको ओपन कर लेंगे। ये देखिए, मैंने प्रेस से सिलाई को बिठा लिया है और ओपन कर लिया है। अब हम बारीक बारीक स्लीव बॉटम फोल्ड करेंगे। हमें इक्वली फिनिशिंग के साथ फोल्ड करना होगा। ये हमने स्लीव बॉटम को फोल्ड कर लिया है। अब जो हमने राउंड शेप कटिंग की थी वो भी हम बारीक बारीक फोल्ड कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे पीको भी करा सकते हो, वो भी अच्छी लगती है, और सिलाई भी लगा सकते हो या कोई लेस का यूज़ भी कर सकते हो। ये स्लीव डिज़ाइन काफ़ी सुंदर लगता है पहनने के बाद। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेगी। ये देखिए, हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इंची टेप की हेल्प से 2 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमने 2-2 इंच पे निशान लगा लिए। अब सभी निशानों को मिला लेंगे स्केल की हेल्प से। ये हमने निशान लगा लिए। अब एक पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच ली है और लंबाई मैंने जितनी हमारा स्लीव बॉटम में उतनी ली है। पट्टी को आगे से फोल्ड कर लिया है और जो हमने निशान लगाया था उस निशान के ऊपर पट्टी को रखेंगे और सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है और पट्टी को हमने अंदर की तरफ से फोल्ड कर लिया था दोनों साइड से। अब ये देखिए, आधा इंच की हमारी ये पट्टी तैयार हो जाएगी। ये देखिए, हमारी पट्टी स्लीव में लग चुकी है। अब हम एक पट्टी लेंगे जिसकी लंबाई मैंने 1 इंच ली है, सॉरी, जिसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच ली है, लंबाई मैंने इसकी 3 इंच ली है। इसको दोनों साइड से फोल्ड कर लिया है और एक बारीक डोरी बना लेंगे। ये देखिए, हमारी डोरी बन चुकी है। अब जो हमने स्लीव में पट्टी लगाई थी वहाँ पर हम इस डोरी को डाल लेंगे।
तो डोरी हमने स्लीव में लगा ली है, ये देखिए इस तरीके से। अब दोनों साइड हम इक्वल कर लेंगे डोरी को, और जितना आपको स्लीव बॉटम चाहिए, ये देखिए अगर आपका 10 इंच है तो आप 10 इंच ही गैदर कर लीजिए। आप इस तरीके से इसे लूज़ या टाइट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये इस तरीके से हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। इसको इस तरीके से नॉट लगा लेंगे, और ये पहनने के बाद काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये देखिए मैं आपको सीधा करके दिखा देती हूँ। जब हम टॉप में इसे अटैच कर लेंगे तो ये इस तरीके से सीधा हो जाएगा, और जो हमने ये जो राउंड सी शेप आपको दिखाई दे रही है ओपन वाला साइड, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को